स्टेटस सिंबल के साथ साथ आजकल सुरक्षा की दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से सक्षम लोगों में कुत्ता पालने का शौक कुछ ज्यादा ही बना हुआ है। समस्या तब होती है जब शौकीन लोग कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं। खरमोरा क्षेत्र में इसी चक्कर में एक स्कूली छात्रा कुत्ते के हमले का शिकार हो गई। यह मामला मानिकपुर पुलिस चौकी पहुंच गया है। पीड़ित पक्ष ने कुत्ते के मालिक पर कार्रवाई करने की मांग की है। वफादारी के किस्सों की जब बात होती है तो उसमें कई चीजें शामिल की जाती हैं और इस दौरान कुत्तों का जिक्र भी होता है, इसलिए शहरी क्षेत्र में कुत्ता पालने का शौक कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। इस मामले में सुरक्षा से कहीं ज्यादा स्टेटस सिंबल का जोर है, इसलिए विदेशी नस्ल वाले महंगे कुत्ते कोरबा के विभिन्न क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं। कई मामलों में देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर जरूर हैं, लेकिन कुत्तों से दूसरे लोगों की सुरक्षा को लेकर उदासीन बने हुए हैं। खरमोरा में हुई एक ऐसी ही घटना में विश्राम सिंह पटेल की सुपुत्री को स्कूल जाने के दौरान कुत्ते ने जख्मी कर दिया। बालिका के चिल्लाने पर उसके पिता हरकत में आए और फौरन बालिका को अस्पताल पहुँचाया। हमेशा खरमोरा होते हुए निर्मला स्कूल जाते हम लोग, तो संजय शाही नाम का एक आदमी रहता है खरमोरा में, जो एक बड़ा कुत्ता पाल चुका है, मतलब पाला हुआ है, जो एकदम आवारा छोड़ता है अपने कुत्ते को। आज सवेरे मेरी बेटी को दौड़ा के काटा हो, मैं चाहता हूँ कि उसके खिलाफ अच्छा से एक्शन हो। विश्राम सिंह पटेल ने इस घटना को लेकर गंभीर आपत्ति जताई और मानिकपुर पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत की। विश्राम सिंह का कहना है कि लोग क्या करते हैं यह उनका अपना मसला है, लेकिन दूसरों को समस्या ना हो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कुत्ता पाल रहा है, अच्छी बात है, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ एक्सीडेंट मत हो, अच्छी बात है, जान चला जा सकता है सर। वो मेरे साथ पीछे मेरे गाड़ी में बैठी थी, वो कुत्ता दौड़ के काटा है, खुला वो छोड़ दिए थे, वो बोलता है कि मैं ट्रीटमेंट करा दूंगा बोलता है। तो सर मेरे को ट्रीटमेंट नहीं कराना है, आज मैं अपना जान बचाया हूँ, अपनी बच्ची का जान बचाया हूँ, कल मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो ऐसा चीज। पालतू जानवरों को रखे जाने के दौरान संबंधित लोगों को कई प्रकार से सावधानी बरतनी होती है ताकि उनकी वजह से आसपास या रास्ता चलने वाले लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। जानवरों के द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की स्थिति में कार्रवाई करने का विधान भी है। पुलिस ने बताया कि IPC की धारा 289 के अंतर्गत ऐसे मामलों में जानवर पालने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोरबा से मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।